क्लास 8 स्टूडेंट चैप्टर 12 क रक्षितक यानी आज हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में बच्चों। पाठ का नाम है क रक्षक यानी कौन रक्षा करता है और क रक्षित यानी कौन रक्षित होता है यानी किसे रक्षा करने योग्य और कौन सुरक्षित होता है उसके द्वारा। तो पाठ का परिचय है, यह पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है लेकिन इसका हमारे जीवन में इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि इसके बिना दैनिक जीवन चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे इसके बढ़ते हुए प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशीलता समझ विकसित करने का इस पाठ में प्रयास किया गया है। तो बच्चों ये पाठ जो है हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट पर बेस्ड है बच्चों, जिसमें प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट डे टू डे लाइफ में जो सॉइल इरोजन हो रहा है इसका हम अननेसेसरी यूटिलाइज करते हैं और कहीं भी थ्रू बटते तो मिट्टी में मिल करके सॉइल इरोजन करता है। तो इसीलिए बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और पर्यावरण में इसका इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। बच्चों की वार्तालाप हम सुनेंगे, आपको मजा आएगा। एक अच्छा सा प्ले है, ड्रामा है, जिसमें आप अपने बच्चों अपने आप भी ड्रामा करके ये अच्छा सा एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में एक अच्छा सा प्ले कर सकते हो। शब्दार्थ को सरलार्थ यानी हिंदी में पहले हम संस्कृत तो पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी में इसका अनुवाद है। काश्चन बालिका भ्रमणाय निर्गता परस्पर माल करती यानी कुछ बालक जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के बारे में बताया गया है। रोल प्ले करने वाले हैं रिपन जी, परमिंदर, कचना, रोजली, ये सब जो है हमारे रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर और आपस में बातचीत कर रहे हैं। रिपन जी बोलती हैं परमिंदर परमिंदर ये परमिंदर परमिंदर यही क्या कच यही आओ उपवन प्रविशाम उपवन प्रविशाम यानी आप देखिए हे परमिंदर हे परमिंदर इधर आप बगीचे उपवन में चलते हैं प्रविशाम यानी चलते हैं। परमिंदर बोलती है अरे उपवन से द्वारे एव प्लास्टिक स्युतकानी शिक्तानी इतस्तत विकीर्णानी यानी हे परमिंदर परमिंदर बोलती है अरे उपवन से अगर विपत जी को बोलती है उपवन यानी बगीचे के दरवाजे पर एक प्लास्टिक स्थितियों में बैग प्लास्टिक बैग जो है वो फेंकी हुई है इसे और ये पूरी इधर उधर अस्त व्यस्त यानी बिखरी हुई है। बहुत सारे प्लास्टिक हम लोग आते हैं मछली में बहुत सारे लोग आते हैं और वो जो भी रैपर्स होते हैं खाना अपने को बैग प्लास्टिक में कुछ भी चीजें लेते हैं बच्चों आप लोग खाते हो 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ के नूडल्स भी है या कुछ और भी खाने के रैपर्स ले लिए आपने आप कहीं जाओगे तो बगीचे में यूज थोड़ी ना होंगे लेकिन जब वो लोग गए तो देखा इधर उधर बहुत सारे रैपर्स जो है प्लास्टिक के वो बिखरे पड़े थे। कचना कचना बोलती है जना प्रमाद कुर्वन्ति प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति यानी छोटी थैली पाउच में पुटकानी यानी थैलियों में लेकर के और बड़ी मात्रा में इधर उधर बिखेर देते हैं। परम तानी कचना बोलती है जना प्रमाद कुर्वन्ति प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति परम तानी पुटकानी मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति जना यानी लोग प्रमादवश यानी अपना एंजॉय एंटरटेनमेंट तो करते हैं और प्लास्टिक पुटकेषु यानी प्लास्टिक के बैग के अंदर छोटे छोटे पॉलिथीन होती है उसमें खाद्य वस्तु आती है ना जैसे रैपर्स या चिप्स आती है गृहीत्वा वो तो खा लेते हैं भक्ष्यन्ति यानी खा लेना परम यानी फिर परंतु तानी यानी उनके पॉट की जो यानी उसके ऊपर जो रैपर्स होते हैं पुटकानी यानी उसके ऊपर थैलियां जो होती हैं वो मार्ग में इधर उधर फेंक देते हैं। रोजली न महती इयम समस्या अपि प्रविशाम यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है अस्तु प्रविशाम सर्वे उपवने प्रिवसन्ति कचनार पुत्र उपविशाम रिपजी अस्मिन् काष्ठपीठे
उपविशाम सर्वा उपविशन्ति यानी हे परमिंदर अपनी बच्ची ये हिंदी में अनुवाद हे परमिंदर इधर आ बगीचे में चलते हैं। परमिंदर बोलती है अरे बगीचे के गेट के द्वार पर फैली हुई प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर बिखरी हुई है। रचना बोलती है लोग प्रमादवश आलस्यवश एंजॉय करते हुए अपने प्लास्टिक की थैलियों को खाने योग्य पदार्थ को लेकर खाते हैं, परंतु वो जो थैली के जिसमें खाद्य पदार्थ होता है उस थैलियों को रास्ते में इधर उधर फेंक देते हैं। रोजी कहती है यह बहुत बड़ी समस्या है, हम चलते हैं। दीपक जी कहते हैं ठीक है चलते हैं। सभी लड़कियां बगीचे की ओर यानी सर्वे बालिका प्रवेश करती है। देखो आया था ना बच्चों यहाँ पे सर्वे सर्वा बा ऊपर माने प्रवेश करती है यानी सभी जो बालिकाएं हैं वो बगीचे में चलती हैं। रचना कहती है कहाँ बैठते हैं मतलब पुत्र उपविशाम अस्मिन काश यानी लकड़ी के पीछे यानी आपका देखा होगा वहां पे बेंच रखी हुई थी लकड़ी की उसके ऊपर बैठ जाती है सर्वा उपविशन्ति यानी बैठ जाना उपविशन्ति यानी बैठ जाना। अब रिपन जी बोलती है अभी पश्यत वयम यत्र उपविष्टा तत्र कानि वस्तूनि सन्ति क्या तुम लोग देख रहे हो। अभी पश्यत माने देखना वयम वयम यानी हम यथोपविष्टा यानी हम सब जहाँ बैठे हैं तत्र कानि वस्तूनि सन्ति वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं हैं। परमिंदर बोलती है आम आम हाँ हाँ बहूनि वस्तूनि परि तो विकिरणीनि यानी आम आम हाँ हाँ बहूनि यानी बहुत सारी वस्तुएं परि तो यानी इधर उधर हमारे चारों तरफ परि तो मतलब चारों तरफ बिखरी हुई है। रचना बोलती है यथा स्यूत जलकूपी कंदुकम इत्यादि जैसे स्यूत माने थैली प्लास्टिक की थैलियां जलकूपी यानी पानी की बॉटल प्लास्टिक की पानी की बॉटल और कंदुकम यानी बॉल्स ये सब है वो हमारे बगीचे में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इधर बिखरी हुई है। रोज दिन हलाव अत्मान पश्य यानी हम बोलते हैं हला माने सखी के लिए संबोधन करती है अरे सखी हे अपने आप को भी देखो अपमान यानी आत्मान पश्य यानी हम लोग देखते हैं ए सखी कितनी शर्मनाक बात है कि हम अपनी चीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। आप भी कहीं जाओ बच्चों को ध्यान रखिएगा कि जब आप बगीचे में या कहीं जा रहे हो तो आपके पास प्लास्टिक की चीजें तो उनको बिखरेंगी नहीं आप उसको डस्टबिन में डालिए। तो ये हमारे लिए एक एक करके ही हम एक अपने स्वच्छ भारत का अभियान को शुरू कर सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी शुरू किया था उसमें भी यही बताया गया कि घर एक से ही यानी हमारे घर से ही शुरुआत करें कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करके अपने को जो वेस्ट मटेरियल है उसका इधर उधर भी फेंकने की बजाय डस्टबिन में डालो। ठीक है बच्चों रोजमिला बोलती है हला आत्मनपी पश्य यानी हमारे लिए एक हे सखी अपने आप को भी देखो आम आम हाँ हाँ पश्यामि देख रही हूँ मम सविधे कंकतम कुंडलम केशबंध घटीपट्टिका कंकणम इत्यादि सर्वाणि विराजन्ते किमसि वक्तुकामा यानी चेनम्मा बोलती हैं किसको बोलती है बच्चों रोजलीना को भी हाँ हाँ देखती ही हूँ मेरे पास कंघा कुंडल बाली बालों में बंधन घड़ी की पट्टी कंगन आदि सभी कुछ है क्या कहना चाहती हो तुम। वो उसको बोलती है रोजलीना को क्या बोलती है अपने आप को देखो तो मैं देख रही हूँ मेरे पास देखो ये पहना हुआ सब कुछ है मेरे पास पहना हुआ। तो रिपंची बोलती है इदम ध्यात्वयम यद एतानि सर्वाणि वस्तूनि प्राय प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति एकदम यानी ध्यातव तो ध्यान है यद ये इतनी यानी सभी सर्वाणि यानी सभी वस्तुएं प्राय प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा ये बैंगल्स जो है वो प्लास्टिक के होती है और कानों में जो कुंडल पहने वो प्लास्टिक के भी होते हैं और वैसे बनी मेटल के भी होते हैं मेटल के भी होते हैं। तो बच्चों ज्यादातर जो वस्तुएं जो है उन्होंने भी प्लास्टिक की ही पहनी हुई है। रचना बोलती है पूर्वं तु प्राय कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति यानी आप ये बोल रहे हैं बच्चों कि पहले तो अधिकतर
कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी। अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं चारों तरफ बिखरी हुई है, क्योंकि ये कम कीमत में आती है तो लोग आराम से ले लेते हैं। तो उसमें लिखा है कि कपास से बनी, कपास से चर्म बनाई, चर्म से लोहे बने, लोहा, लाक्साइड में लाल, मृतिका यानी मिट्टी से बनी हुई होती है और ज्ञान काष्ठ में लकड़ी से बनी हुई होती है। अब इसकी जगह किसने ले ली है? प्लास्टिक ने, जो कि कम मूल्य यानी अल्प मूल्य यानी अपनी संख्या में बहुत सस्ते में मिल जाती है। लोग प्लास्टिक के मटेरियल खरीदना पसंद करते हैं। बच्चों चेन्नम कहती है ओ कलमस्तु विस्मत कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मत्स्येष्टये प्रत्युद्यते। कलमस्तु यानी अरे तू इस पेंसिल को भूल गई, पेंसिल तो लकड़ी की बनी हुई होती है। अरे कलम तो याद ही नहीं रहा। कोई भी ये अनुमान कर सकता है कि एक कलम में कितनी रिफिल का प्रयोग में लाई जाती है। पहले हम लकड़ी से पेंसिल लेते थे, अब आज हम पेन की जगह पे निब पेन और इंक की बजाय हम क्या ले लेते हैं? बॉल पेन्स। कलम जो है वो रिफिल वाली काम में लेते हैं, तो इसका भी प्लास्टिक की बनी होती है रिफिल, और बार बार रिफिल खत्म होने के बाद रिफिल नहीं लगानी होती और पूरी फिर हमारे लिए वेस्ट होती है। बच्चों तो ये भी एक हमारे सॉइल इरोजन करती है, इसीलिए प्लास्टिक का घातक परिणाम इसे बताया गया है। परमिंदर कहती है अनुभीयते यत् प्रत्येकं छात्रा प्रति सप्ताहं स्वकलमे एकां मत्स्येष्टिं पूरयति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् एकस्मिन्नेव वर्षे न्यूनान्यूनं प्रायः 50 मत्स्येष्टये तया प्रयुक्ता भवति। यानी अनुमान लगा सकते हो कि प्रति सप्ताह एक सप्ताह में हम यदि अपनी कलम लें, पेन लें, तो उसके अंदर मत्स्येष्टि यानी इंक भरने के लिए, इंक फिल करनी होती है उसमें, उसके लिए कितना जरूरत पड़ती है। तो अनुमान लगाते हैं हर एक छात्र प्रत्येक सप्ताह अपने कलम में एक रिफिल मत्स्येष्टि यानी रिफिल डालना डालती है। मतलब यह है कि एक ही वर्ष में कम से कम लगभग 50 रिफिल उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जबकि इंक का पेन काम में तो हमें उसमें इंक कम खर्च होगी बच्चों, और पेन भी ज्यादा चलेगा, उसको फेंकने की जरूरत नहीं, इंक भरी और वो निब बार बार चलता रहेगा। लेकिन अभी हमारे नए इस आने वाले युग के अंदर लोग रिफिल मस्टिका यानी रिफिल भी करवाते हैं इसके अंदर, और रिफिल जो है हमारे हफ्ते में कितनी रिफिल जरूरत पड़ती है प्रत्येक सप्ताह यदि एक एक छात्रा की हम काउंट करें तो रिफिल कुल मिला के एक वर्ष में 50 तक रिफिल को हम काम में लेते हैं। तो ये जब वेस्ट हो जाते हैं उसको फेंक देते तो हमारे कितना सॉइल इरोजन है, कितना हमारे प्लास्टिक का घातक परिणाम हुआ। बच्चों चेन्नम्मा बोलती है परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः। यानी चेन्नम्मा कहती है परंतु क्या हम एक साल में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? सभी लोग बोलते हैं सामक सॉरी ऑल टुगेदर से नहीं नहीं वर्षे तो प्रायः बहुत सारी कलमा विलुप्य दे, हम बहुत सारी कलमों का उपयोग करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं वर्ष में तो लगभग बहुत से कलम गुम हो जाते हैं। सभी एक साथ में आवाज करते हैं। दीपची बोलती है एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकम कलमं क्रीणाति। यानी एक छात्रा तीन महीने में एक कलम यानी पेंसिल रिफिल बॉल पेन खरीदती है। क्रीणाति यानी खरीदना, परचेज करना, अर्थात एकस्मिन् वर्षे चतुर कलमान क्रीणाति। यानी एकस्मिन् यानी एक समय वर्ष में चतुर यानी चार कलमान क्रीणाति खरीदनी होती है। रोजलिन कहती है अपरम च कलमेन स मत्स्येष्टि अपि प्लास्टिक कावरणे समावेश्यते। अपरम यानी वो बोलती है दूसरी बात यह है कि कलम के साथ रिफिल भी तो प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक की खोल में डाले हुए होते हैं अर्थात रखी जाती है। तो कुल मिलाकर हर साल एक छात्रा लगभग 50 रिफिलों का चार कलमों से 54 खेलों के द्वारा प्रयोग करती है। तो इसमें पेन को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया कि ये भी हमारे लिए घातक है क्योंकि इसमें प्लास्टिक की
रिजल्ट इसका वयम न दुष्टम शक्यनम दृष्टुम शक्यनम वयम यानी हमारे लिए जो है दृष्टुम में देखने योग्य जो है कि ये इसमें कोई शक्यता नहीं कह सकते। कल्पना करो यदि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है नष्ट हुई वस्तु यानी ये बोलती है जन्म राशि के हाँ ठीक है बहुत प्रकार से प्रयोग किए हुए प्लास्टिक के दूरगामी खतरनाक यानी डेंजरस परिणाम को हम देख नहीं सकते बच्चों। परिणाम यानी उसका रिजल्ट प्लास्टिक कभी भी न गलता है और न ही नष्ट होता है और जैसे दूसरी वस्तु में नष्ट होती है मिट्टी में मिल जाती है पर ये जो है स्वयं इरोजन करता है। चिन्नम्मा बोलती है प्लास्टिक मृतिकाया लया पर्यावरण से कृते महती क्षति भवती महती यानी बहुत क्षति होती है महती यानी नुकसान होता है। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक जो है मिट्टी मृतिका यानी मिट्टी में लय यानी मिल जाने से अस्माकं यानी हमारे पर्यावरण में उसे मिट्टी जो है वो मिलने के कारण बहुत क्षति होती है। एकेन रपचि रिपचि होती है एकेन पदार्थेन अपर पदार्थ सृज्यते अर्थात अथवा विनिष्टम वस्तु मृतिकायां मिलति परम प्लास्टिके इयम् प्रक्रिया असंभवा एव। तो ये बच्ची बोलती है बच्चों कल्पना करो यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ विलय यानी मिल जाता है अथवा नष्ट वस्तु पर्यावरण में मिट्टी में मिल जाती है परंतु प्लास्टिक में वह प्रक्रिया असंभव होती है यानी प्लास्टिक मिट्टी में मिलने पर भी उसमें मिक्स नहीं होता। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। फर्मिंगर बोलती है कल्पयतु कल्पना करो यदि शतम वर्षाणि यावत् प्लास्टिक शतम यानी 100 वर्षों के बाद प्लास्टिक जो है निर्मितानि पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथ्वीयां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात् सर्वां सुखेदं विमृश शांति यानी परमिंदर कहती है बच्चों कि यहाँ दुख से क्या लाभ। सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए हमारा प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में आवश्यक है। फिर रोजलिन बोलती है अत्र विषादीन किम सर्वप्रथमं तुम शिक्षाणां सहयोगे प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय यानी अत्र विषादेन यानी इसके विषाद यानी हमारे अंदर जो ऐसी तरह की भावना आई है कि ये विषाद यानी कितना हमारे लिए पर्यावरण के नुकसानदायक है पर्यावरण में ये प्लास्टिक। तो सर्वप्रथम हमारी यानी शिक्षा के अंदर इसको सहयोग शिक्षण सहयोग के द्वारा प्लास्टिक का अलग अलग जगह पे किस तरह से इसको कम किया जाए उसको विचार करना चाहिए। अस्माकं प्रयासो भी पर्यावरण से यदि हम ये प्रयास करेंगे तो इससे हम रक्षित हो सकते हैं और इसको बचाया जा सकता है प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं बच्चों। चैप्टर इज फिनिश नाउ यह प्रयास पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा आवश्यक है बच्चों और पर्यावरण की रक्षा प्लास्टिक को कम करके और कागज के कॉटन के बैग्स इन सब को लेकर के इसको कम किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।